हे गाइस, मैं हूं रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूं एलविश यादव के बारे में। तो गाइस, एलविश यादव ने कल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि वो मीटअप करने वाले हैं संडे ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में शाम 5 बजे। तो आज उन्होंने फिर से अपने इंस्टाग्राम डाला और कहा, आ रहे हो ना आज ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव 5 बजे। और उनके मम्मी का भी बर्थडे विश करते हुए स्टोरी डाली, बर्थडे मोटूज आई लव यू बोल के। और उन्होंने एक स्टोरी में बोला, सिस्टम हैंग होना चाहिए आज। और उन्होंने और एक भी स्टोरी डाला जो कि आप देख सकते हो। भाई एक रिमाइंडर है सभी लोगों को कि शाम को 5 भाई एक रिमाइंडर है सभी लोगों को कि शाम को 5 बजे प्लीज पहुंच जाना ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गेट नंबर 1 से एंट्री लेना और सारे भाई वहीं मिलेंगे। और इस बार ऐसी कोई टेंशन नहीं कि मीटअप में घुस नहीं पाया, हम पहले ही वहीं पे होंगे। सुरंग से जा रहा हूँ, सुरंग से जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 बजे पहुंच जाना ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव। मैं ऑलरेडी स्टेज के पीछे हूँ, जिसे नहीं पता ये रहा पीछे स्टेज, पीछे लॉन्च के अंदर हूँ मैं। तो जितने भी मेरे भाई नहीं आए बाहर वेट कर रहे हैं, सारे के सारे अंदर आ जाओ, पक्के आने वाला हूँ मैं बस। तो गाइस, मीटअप में ह्यूज एलविश आर्मी आए थे जो कि आप खुद देख सकते हो। गाइस सुनिए, आप लोगों के लिए खास पेशकश हवाई ऑन सेल, सुनो अगर। तो गाइस, उसके बाद एलविश यादव के ग्रैंड एंट्री हुआ हरियाणा पीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ, जो कि आप देख सकते हो। सातवें राज्यसभा सांसद ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। एलविश को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अभिनंदन समारोह में विशेष रूप से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। और उसके बाद एलविश यादव के मम्मी ने भी कुछ ऐसा कहा एलविश आर्मी और फैंस को, तो क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। एक एलविश बेटा नहीं है, ये जितने 10,000 लड़के खड़े सारे मेरे बेटे हैं, इसलिए माता जी को स्वागत करें। आप सब बच्चों का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और एलविश यादव ने भी अपने फैंस और आर्मी के लिए जो कहा वो भी अब खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी में मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और इनके स्वागत में भाई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। हमारे हरियाणा का यूथ हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। मैं जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो उन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाओगे आप, इन्होंने एक बारी में बोला कि मैं जरूर आऊंगा। और काफी दिक्कतें थी परमिशन की कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी इन्होंने एक बार कहने पर मुझे परमिशन दिलाई। तो सर मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए, हमारे देश के लिए आप दो शब्द बोलें। और गाइस एल्विश यादव के पापा ने भी एल्विश यादव के फैंस और एल्विश आर्मी के लिए कुछ कहा, वो आप खुद ही देख लीजिए। सिस्टम है भाई, सिस्टम सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा सभी को। सभी को आने पर बहुत बहुत अभिनंदन। समारोह में आप पधारे, जहां से भी आए आप सभी को प्यार आशीर्वाद, सभी कुशल मंगल रहे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार, थैंक यू सो मच। और भाई सभी बच्चे मैनेजमेंट की सुने, कृपया ध्यान रखिए किसी को भी थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। मैनेजमेंट ही जैसे कहती है, जैसे हमारे पुलिस प्रशासन के जवान कहते हैं, उनकी माने, ध्यान रखे, थैंक यू, स्वस्थ रहे। और एलविश आर्मी भी जय श्री राम बोलकर नारा लगाते हुए कहता है। अच्छा एक चीज तो करनी बनती है भाई, जय श्री राम का नारा तो लगाना बनता है। जय श्री राम, तीन दो एक पे पूरी आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे पता भाई ब्रो। अच्छा और दोस्तों लास्ट में एल्विश यादव के ग्रैंड एग्जिस्ट हुआ कुछ ऐसे। तो गाइस वीडियो को मैं यही तक एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।